देखने वाले हैं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। बेसिकली द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में आपको क्या बताया जाता है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया जाता है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है बेसिकली, देखो सिंपल लैंग्वेज में मैं बात बताऊँ ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो आप ऐसा समझ लो, मान लो कि आप अभी 10th में हो, 11th में कहीं कोई कोचिंग किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे, मे बी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो जाएंगे, हो सकता है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपने होम टाउन को छोड़ के जाएंगे किसी और जगह पे। तो आप जहाँ पे रह रहे हो, मान लो आप अपने स्टेट से बाहर जा रहे हो, मान लो आपका कोई भी स्टेट हो, आप वहाँ से बाहर गए हो, तो वहाँ से जब आप बाहर जाओगे तो जो आपके हैबिटाट है, जो आप खाते हो, जो आप पीते हो, वो चीज़ तो रहेगी ही रहेगी। साथ में जहाँ आप जाओगे वहाँ की भी कुछ स्पेशलिस्टी होगी, कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो कि वहाँ पे अलग होंगी आपके स्टेट से, तो वो चीज़ आप ग्रास्प करोगे। और मान लो आपका कोई दोस्त है तो जो आपका कल्चर है आप उसे वो बताओगे, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, आप कल्चर का एक्सचेंज कर रहे हैं। मान लो वहाँ की कोई अच्छा खाना है जो आपको खाने को मिल रहा है, और आपके यहाँ का कोई अच्छा खाना है जो आपके दोस्त को खाने को मिल रहा है, तो एक तरीके से क्या है, एक कल्चर एक्सचेंज हुआ है, एक फूड का एक्सचेंज हुआ है। तो यही चीज़ होती है ग्लोबलाइजेशन। यही चीज़ आप ब्रॉड लेवल पे समझो कि एक कंट्री से या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में चीज़ों का आना जाना, वेदर इट इज़ डिसीज, वेदर इट इज़ फूड, वेदर इट इज़ ट्रेड, कोई भी चीज़ हो उसे ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन में कई सारी चीज़ें आई हैं, इंडिया में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं और वो किसी दूसरे कंटिनेंट से आई हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली यही चीज़ होती है। आपको इसमें एक चीज़ बता रखी है, जैसे कि पहले के समय में काउरीज चलते थे, सी शेल्स बेसिकली क्या होते हैं, आपने जैसे वाइट कलर के होते हैं सी शेल्स, आपको मंदिरों में बेसिकली मिल जाएंगे वो, ठीक है, मंदिरों के बाहर भी मिल जाते हैं। तो ये पहले एज अ करेंसी यूज होता था, ये मालदीव्स से चाइना में गया है, ठीक है, ये जैसे मालदीव से चाइना में गया है, एक एग्जांपल है। तो ये चीज़ बता रखें, करेंसी का एक्सचेंज हुआ, बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज होती हैं। इसी में एक चीज़ बता रखें, सिल्क रूट ट्रेड। बेसिकली सिल्क रूट क्या है, समझते हैं सिल्क रूट को। ये पहला पैराग्राफ है, इसको आप एक बार रीड कर लेना, उसमें सिर्फ एक तो शेल का एग्जांपल दे रखा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन दे रखा है कि उसका वेस्ट एशिया के साथ कनेक्शन था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और कोई इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, जो स्टार्टिंग में मैंने समझाया उसी को एक तरीके से उसमें दे रखा है, आप एक बार पढ़ ज़रूर लेना उसे, ठीक है। ये वाला चैप्टर रीड ज़रूर करना, क्योंकि इसमें कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत छोटी छोटी हैं, ठीक है, लेकिन एक बार रीड करते हुए चलोगे तो आंसर मेकिंग में इजी पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आते हैं वो आता है आपका सिल्क रूट। सिल्क रूट ये नाम क्यों दे रखा है, सिल्क रूट ये बेसिकली इंपॉर्टेंस किसको दे रहा है, वेस्ट में चाइना में जो आपका सिल्क का कॉर्गोस, सिल्क कॉर्गोस को जो कि सिल्क रूट के जो है रूट में आता था उसको इंपॉर्टेंस दे रहा है, इसीलिए इसको सिल्क रूट बोलते हैं। बेसिकली ये जो सिल्क कॉर्गोस है ये रूट के बीच में आता था, इसलिए इसको सिल्क रूट ट्रेड, सिल्क रूट एक तरीके से बोल रखा है। अब यहाँ पे जो चीजें आती हैं वो ये आती हैं कि जैसे यहाँ पे आपको बता रखा है कि जो चाइनीज पोट्रीज जो होती थी, बेसिकली चाइनीज
ये आपकी एक तरीके से एशिया में आई, ठीक है, ये एशिया में आई, यहां पे मतलब ये है कि आई नहीं मतलब गई, ठीक है, चाइनीज पोट्रीज थी, टेक्सटाइल्स थी, स्पाइसेस थी, ये सारी चीजें इंडिया से, या कह लो एक तरीके से एशिया बोल दो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, एशिया से गई और इन रिटर्न यूरोप से एशिया में क्या आया, प्रीशियस मेटल्स जैसे सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड। तो यहाँ पे चाइनीज पोट्री है, टेक्सटाइल्स है, ये सिर्फ एग्जांपल दे रखा है कि ये चीजें आई और इसके रिटर्न में यूरोप से ये सारी चीजें गई। अगेन ये सारे एग्जांपल्स हैं, ये आपको सिर्फ आंसर लिखने में हेल्प करेंगे, ये वैसे मोस्टली पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, ये आती है कि रिलीजन, बेसिकली एक मोटा मोटा बता रखे कि रिलीजन भी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करा है, जैसे क्रिश्चियन। देखो पहले क्या होता था कि एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करने वाले लोग एक जगह पे रह रहे हैं, है ना, लेकिन अब जैसे क्रिश्चियनिटी ज्यादातर आपको यूरोप में देखने को मिलेगी, बट इंडिया में भी क्रिश्चियंस रहते हैं, तो ये यहाँ कैसे आए, वो बहुत पहले उनके शायद एंसेस्टर्स यहाँ माइग्रेट करे हैं इसलिए आए हैं वो यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद ये तो चीजें हो गई, जैसे कुछ चीजों के बारे में बता दिया हमने, अब क्या फूड का ट्रैवल हुआ, देखो हर चीज का ट्रैवल हुआ है, फूड का ले लो, डिसीज का ले लो, हर चीज का ट्रैवल हुआ है, फूड का यहाँ पे ट्रैवल बता रखा है और एक डिसीज का ट्रैवल बता रखा है। फूड के ट्रैवल में जो मेन मेन चीजें हैं वो मैं पहले बताती हूँ। फूड में अगर आप बात करते हो तो जो स्पेगेटी है, ये सारी चीजें चाइना से आई हैं, ठीक है, नूडल्स, ठीक है, अलग अलग जगहों पे उसे स्पेगेटी न जाने क्या क्या बोला जाता है, तो पास्ता, ठीक है, ये सारी चीजें आई हैं। और यहाँ पे ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू इस सारी चीजों को बता रखा है। इसके बाद जो चीजें बताई गई है वो मेन जो है यहाँ पे ये है कि अमेरिका, उस टाइम पे अमेरिका नहीं डिस्कवर हुआ था, नहीं हुआ था, अमेरिका वॉज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड बाई कोलंबस, कॉन्स्टेफर कोलंबस के द्वारा ये एक्सीडेंटली इसे खोजा गया था, और यहाँ के लोग थोड़े बहुत इंडियन जैसे दिखते थे तो इनको अमेरिकन इंडियंस बोलते थे, ठीक है, अमेरिकन इंडियंस बोलते थे। जब यहाँ पे गए तो देखा कि भाई यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें उग रही हैं जैसी हमने कभी देखी भी नहीं है शायद, जैसे पोटैटो वो यहाँ से ही आया है। जब इनको पता चला यूरोप के लोगों को कि अच्छा पोटैटो जैसी भी कोई चीज होती है, हेल्दी होती है और इजी टू ग्रो होती है, तो फिर जो पुअर लोग थे यूरोप के वो इसे उगाने लग गए। लेकिन जब इसमें एक डिसीज आ गई, पोटैटो में भी कई सारी तरीके की डिसीजेज होती है, इसमें भी एक डिसीज आ गई, डिसीज का नाम नहीं दे रखा है, डिसीजेज आई, तो इससे बहुत ज्यादा वास्ट फेवाइन हो गया, बेसिकली लोग भूखमरी से मरने लगे। क्यों? क्योंकि मरे तो नहीं, लेकिन हाँ भूखमरी तो हुई, मरने का यहाँ नहीं दे रखा, बट भूखमरी थी, स्टार्वेशन था। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज बता रखी है वो ये बता रखी है अबाउट द डिसीजेस कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डिसीजेस और कॉन्सिक्वेंस की, तो अमेरिका डिस्कवर हो गया था इतने टाइम तक, अब यूरोप को ये था कि देखो यूरोप का मैं उस टाइम का किस्सा बताती हूँ, यूरोप था कैसा, ये दे रखा है इस पैराग्राफ के एकदम लास्ट में, ठीक है, लेकिन हमें पहले पढ़ना चाहिए इसे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। उस टाइम का जो यूरोप था ना, आप ऐसा समझ लो
कि जो अभी का यूरोप है ना उससे बहुत अलग था। यहाँ पे लोग डिसीजेस भी थी, यहाँ पे रिलीजियस बेस में लड़ाइयां भी होती थी, यहाँ पे पॉवर्टी भी थी, यहाँ पे हर चीज थी। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन बढ़ना, देखो हर चीज का मेन रीजन होता है पॉपुलेशन बढ़ना। पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड कम है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि इसकी वजह से यूरोप कोई बहुत अच्छा देश नहीं था, रहने लायक इतना अच्छा नहीं माना जाता था। तो जब अमेरिका और एशिया ये दो जगह आ गई तो बहुत लोग इधर और इधर माइग्रेट करने लग गए। अमेरिका में ये बोला जाता था कि वहां पे एक सिटी ऑफ गोल्ड है, ठीक है, एल्डोराडो, ये आपका इंपॉर्टेंट है, एल्डोराडो, ये आपको ध्यान में रखना है, सिटी ऑफ गोल्ड अमेरिका में एल्डोराडो। दिस इज एक काल्पनिक है, ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता था, एक काल्पनिक बोल रखा है, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता था कि वहां पे एल्डोराडो है, सिटी ऑफ गोल्ड है, ऐसा वैसा है, लेकिन वहां पे एक्चुअल में लोग कम थे और लैंड ज्यादा थी। तो वहां पे अगर ये लोग माइग्रेट करते हैं तो उनके लिए अच्छी ही बात है। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल किसने कर लिया, कंट्रोल किसका आया, स्पेन का। अब स्पेन का कंट्रोल कैसे आया, स्पेन ने खेला चाल, जहां ये मिलिट्री और ये सब लेके इनके से लड़ रहे थे वहां पे स्पेन ने अपना दिमाग लगाया। अब स्पेन में देखो इसने क्या किया, बेसिकली अमेरिका के लोग इम्यूनिटी में लो थे, इम्यूनिटी इनके पास नहीं थी, ठीक है। अब इनके पास इम्यूनिटी नहीं मतलब इनका इतना इम्यून सिस्टम नहीं था, तो उस टाइम पे एक डिसीज थी जिसको बोलते हैं स्मॉल फॉक्स, उसका एक तरीके से उसको अमेरिका में इंट्रोड्यूस करा दिया, इंट्रोड्यूस इन द सेंस कि वो एक तरीके से वहाँ पे फैलने लग गए। अब वहाँ पे कोई वैक्सीन नहीं थी, तो स्पेन वालों को तो पता था उनके पास तो मतलब क्या, तो जो स्पेन था उसके पास स्मॉल फॉक्स की वैक्सीन थी एक्चुअल में, लेकिन अमेरिका में नहीं थी, वो चीज़ उसे पता थी, तो उसने वो डिसीज इंट्रोड्यूस करा दी। डिसीज का नाम स्मॉल फॉक्स, ये नाम आ सकता है स्मॉल फॉक्स, स्मॉल फॉक्स यहाँ इंट्रोड्यूस करा दी, तो ज़्यादातर लोग तो इसी से मर गए, ख़त्म। जो थोड़े बहुत बचे हैं इनकी मिलिट्री, वो उन्हें उनका भी सफाया कर देगी, मतलब सफाया इन द सेंस कि उनके ऊपर राज करेगी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि स्पेन यहाँ पे राज करने लग गया। अब उसके बाद ये वाली स्टोरी दे रखी है कि यहाँ पे यूरोप में डिसीज भी ज़्यादा होती थी, वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो यूरोप के लोग यहाँ अमेरिका में जाना चाहते थे। ये जो स्टोरी है ना, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ये आ सकती है, ठीक है। ये एक स्टोरी है जो कि एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है, इसमें ऐसा नहीं छोटे छोटे एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल होते हैं ना बीच बीच वाले, वो तो एक बार पढ़ लेना, इसे तो याद कर लेना चाहिए, उसको भी याद करना है, ऐसा नहीं है कि उसे याद ही नहीं करना, लेकिन हाँ उसको एक बार ध्यान से पढ़ ज़रूर लेना। इसमें जो चीज़ें हैं इसमें तो एक तो एल्डोराडो, कौन सी डिसीज़ है स्मॉल पॉक्स, किसने किसके ऊपर लगाया, यूरोप क्यों जाना चाहता था, ये कई सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो मिला करके एक बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे।